एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पल्लवी। सो आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोरोना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो इसलिए हमें हमारा पहले से ज़्यादा ख्याल रखना है एंड सेफ्टी भी बहुत ज़्यादा रखनी है। सो आज का वीडियो होने वाला है एक आई शेडो पैलेट का रिव्यू। सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक अफोर्डेबल, बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल पैलेट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो कि बिगनर फ्रेंडली है। सो ये वीडियो स्पेशली फॉर अ बिगनर्स है, जो कि अफोर्डेबल प्रोडक्ट ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। मेरी तरह मैं भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, उनकी क्वालिटी भी अच्छी। सो बट मैं वैसे प्रोडक्ट लेती हूँ जिनकी क्वालिटी भी अच्छी हो और जो उनकी जो प्राइस अकॉर्डिंग भी अफोर्डेबल मिल जाए मुझे। सो मैं ऐसे प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये प्रोडक्ट भी वैसा ही है, जिसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड अगर प्राइस वाइज बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल में आपको मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो। एंड सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम, सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड या गाइज, अगर आपको जानना है कि मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रही हूँ एंड इसकी प्राइस क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखें। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज कर दो। ये बिल्कुल फ्री है एंड बस 2 सेकंड लगने वाले हैं सब्सक्राइब करने के लिए, तो प्लीज कर दो। एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है, आप उसे भी हिट कर दे, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मैं बात कर रही हूँ इस पैलेट की। ये मुझे ऐसे नहीं मिला था, इसके साथ एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग आती है, जो कि मेरी मम्मी ने फेंक दिया। उन्हें लगा कि ये फालतू है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो इसलिए उन्होंने फेंक दिया। सो सॉरी उसके लिए, बट ये इसके साथ एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग आती है। तो ये है इसकी पैकेजिंग, जो कि देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैकेजिंग है। एंड इसके ऊपर आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है, इसका नेम सिस ब्यूटी विंकी 36 आई शेडो पैलेट। तो इसमें आपको टोटल 36 कलर्स मिलते हैं, इसलिए इसके ऊपर 36 आई शेडो पैलेट लिखा हुआ है। एंड इसको आपके इसके बैक साइड में आपको सारे शेड, आपको इसके शेड नेम एंड इसके जो भी इंग्रीडियंट, इसके डिटेल्स जो भी हैं, वो सारे आपको पीछे लिखे हुए मिल जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। एंड पैक जो कार्डबोर्ड पैकेजिंग की मिलती है, उसके ऊपर भी आपको सारे डिटेल्स लिखे हुए मिलते हैं, तो आपको उस पर भी आप इसे पढ़ सकते हो अच्छे से। नेक्स्ट मैं इसे आपको खोल के दिखा देती हूँ। खोलने के बाद तो आपकी आंखें भी खुली रह जाएंगी गाइस, जस्ट लुक एट द कलर। आपको इसमें मैट शिमर एंड ये एक ग्लिटर मिलता है, बस ग्लिटर में आपको बस एक यही मिलता है, बाकी सारे शिमरी हैं एंड मैट कलर है। और कुछ जो है ज़्यादा सिमरी है एंड कुछ ऐसे हैं जो एकदम शाइनी वाले हैं, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है। मीन्स कलर तो इतने अमेजिंग है ना, कि मतलब देखने के बाद तो आप अपने आप को रोक ही नहीं पाओगे इसे बाई करने से। मीन्स आपको हर एक कलर इसमें मिल जाते हैं। एंड मैंने इसे अपने दो तीन मेकअप के ट्यूटोरियल में से यूज़ भी किया हुआ है। सो मुझे इसका रिव्यू शेयर करना था, बट मैं इसका रिव्यू तभी शेयर कर सकती थी जब मैं खुद इसे अच्छे से यूज़ कर लूँ। तो मैंने दो तीन वीडियो में से यूज़ किया एंड पर्सनली मुझे ये अच्छा लगा, इसलिए मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कि आप कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग एंड ऑल्सो हाइलाइटर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। मैंने अभी जो हल्का फुल्का मेकअप वेयर किया हुआ है नेचुरल सा, मैंने इसी पैलेट को यूज़ करके किया हुआ है। मैंने अपना आई मेकअप भी इसी से कंप्लीट किया है। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे ये एंड ये शेड मिक्स करके मैंने ब्लश अप्लाई किया है। कॉन्टोरिंग के लिए तो आपको इसमें बहुत सारे शेड मिल जाते हैं, दिस लाइट ब्राउन शेड, दिस डार्क ब्राउन शेड एंड टोटली डार्क ब्राउन शेड, जिससे आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो। तो कलर्स इसमें बहुत सारे हैं, जिससे आप अपना एक फुल फेस मेकअप बहुत अच्छे से कर सकते हो। एंड मैंने ये शेड यूज़ करके यहाँ हाइलाइटर अप्लाई किया है, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल भी चंकी नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि मैंने कुछ ऐसा ग्लिटर वगैरह थोपा हुआ है। बहुत ही सटल सा, बहुत ही नेचुरल सा लुक दे रहा है ये। तो मैं आपको इसके कलर्स के स्वेचेस भी दिखा देती हूँ। मैं आपको सारे कलर्स के स्वेचेस तो नहीं दिखा सकती, क्योंकि बहुत सारे कलर है आप देख सकते हो, बट मैं जो भी हल्के हल्के से कलर हैं, जिससे कि आपको इसका पिगमेंटेशन पता चल जाए। सो मैं ये कलर भी ले लेती हूँ, देन मैं यहाँ लेती हूँ ये कलर
सो मैंने यहाँ 4 कलर लिए हैं। सो आप देख सकते हो इसके पिगमेंटेशन भी इसकी अच्छी है, बट इसके जो मैट शेड है उसके थोड़े से फॉल आउट हैं, जो कि ठीक है, इतना चलता है, ज़्यादा फॉल आउट नहीं है। अगर आप उसे अच्छे से अप्लाई करोगे तो उतना फॉल आउट नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा फॉल आउट है इसके मैट्स का। बट इसके जो भी शाइनीज कलर है, शिमरी शेड्स हैं, वो तो अमेजिंग है। एंड मुझे ये वाली जो शेड देख रहे हो, दिस इज अ प्योर ग्लिटरी गोल्डन शेड एंड इसकी स्वेच, एंड मैं इसे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगी कितना अमेजिंग है गाइज, जस्ट लुक एट दैट। मतलब पिगमेंटेशन तो इस शेड की इतनी अमेजिंग है ना, मतलब मैंने ऐसे ही अपने आईज पे इसे लगा कर ट्राई किया था, मुझे ये इतना पसंद आया, मुझे ये इतना अच्छा लगा कि मेरा मन कर रहा है मैं इसे अप्लाई करके कोई एक मेकअप ट्यूटोरियल, कोई एक आई मेकअप ट्राई करूँ इसे यूज करके। मुझे ये कलर बहुत ही अच्छा लगा। सो अगेन मैंने एक और स्वेचेस किया है यहाँ पे। सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 4 कलर्स के और स्वेचेस किए हैं। दिस इज दी शिमरी पिंक शेड, दिस इज दी ब्राउन शेड, डार्किश ब्राउन शेड, ग्रीन शेड एंड दिस इज ब्लू शेड। सो ये सारे शेड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड इसकी पिगमेंटेशन आप देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। सो ये हो गई कलर्स एंड पिगमेंटेशन की बात। नेक्स्ट अब बारी है इसके प्राइस की। तो इसकी प्राइस है 699 या ये। सो आपको सुनने में ये लग रहा होगा थोड़ा सा प्राइसी, बट नो गाइस ये बिल्कुल भी प्राइसी नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्लिपकार्ट पे इसे चेक करोगे तो ये आपको 476 में मिलेगा एंड मैंने भी 476 में ही इसे मंगाया है, मीन्स अंडर 500। एंड आपको अंडर 500 में इतने प्यारे कलर, इतने सारे कलर एंड पिगमेंटेशन इज ऑल्सो वेरी नाइस। सो मेरी साइड से इस पैलेट के लिए 10 out of 10 है। एंड अगर प्राइस वाइज अगर थोड़े बहुत कलर्स के फॉल आउट हो रहे हैं तो दैट्स फाइन, क्योंकि अगर आप 476 में अगर आपको इतने सारे कलर्स मिल रहे हैं तो और क्या चाहिए। मीन्स आप इससे फुल फेस मेकअप कर सकते हो, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए गाइज। अगर आप बिगनर हो और आप ये पैलेट ले लेते हो तो आपको किसी और आई शेडो पैलेट की ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़, आपको किसी आईब्रो पैलेट की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी हाइलाइटर की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी कॉन्टोरिंग पैलेट की ज़रूरत नहीं है एंड ना ही आपको किसी ब्लशर की ज़रूरत है। आपको सारी चीज़ें इसमें मिल रही हैं, टोटल चीज़ें, और क्या चाहिए, जस्ट गो और ले लो जाकर जल्दी से, क्योंकि ऑफर्स चल रहे हैं, डिस्काउंट अभी भी है, आपको मिल जाएंगे। तो वेट मत करो, जल्दी से जाओ और जल्दी से लेकर आओ एंड मेरे साथ कमेंट में बताओ कि आपको ये पैलेट कैसा लगा एंड मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। तो या गाइस दैट्स इट, आज के लिए इतना ही एंड आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुआ या नहीं। सो मैं ये वीडियो स्पेशली फॉर अ बिगनर्स एंड टीनेजर्स के लिए लाई थी, क्योंकि आई नो टीनेजर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। इसलिए मैंने ये आई शेडो पैलेट का रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होता है तो आपको पता ही क्या करना है, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर करें एंड अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है आप उसे भी हिट कर दें। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।